और वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू की इस सीरीज की राउंड 9 की जो सीरीज चल रही है इसमें अब तीसरा मुकाबला जो है वो है यूएई वर्सेस नामीबिया के बीच में, और जिसके मैच प्रीव्यू लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की और किस तरह की कंडीशंस अब है दो मैचेस होने के बाद, सिचुएशन क्या है पॉइंट्स टेबल में, ये मैच कितना इंपॉर्टेंस रखता है, की प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं और क्या एवरेज स्कोर नामीबिया के लिए बेहतर रहेगा या फिर यूएई के लिए बेहतर रहेगा, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, सारी बातें इस वीडियो में आपके सामने हम रखेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर लेंगे एंड हेड टू हेड में जाना जरूर चाहूंगा सबसे पहले कि यूएई और नामीबिया का जब भी वनडे इंटरनेशनल में हेड टू हेड या फिर आमना सामना आप कहें हुआ है तो किसका पड़ रहा भारी रहा। बिल्कुल, और अब तक दो बार भिड़े हैं यूएई नामीबिया जिसमें कि दोनों बार यूएई को ही जीत मिली जी हाँ, बहुत अच्छा यूएई खेली है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अब कुछ मैच हुए भी नहीं जो हमने देखा था लास्ट राउंड में जब नामीबिया में हुए नहीं उस टाइम, अब देखना होगा कि किस तरीके से यूएई जीतती है या नामीबिया उन्हें रोक पाती है या नहीं, ये तो देखने को पता चलेगा। तो हेड टू हेड में नामीबिया डेस्परेट होगा सुधार करने के लिए क्योंकि फिलहाल जो है वो यूएई के कंप्लीटली फेवर में है, 2-0 हेड टू हेड में यूएई की फेवर में जा गया है। चलिए अब नेक्स्ट पड़ाव की बात करते हैं, पांच की प्लेयर्स अगर दोनों टीमों में से चुनने हो जिनके इर्द गिर्द ये मैच चल रहे हैं, पिछले मैच प्रीव्यू में आपको बताया था कि जो पांच की प्लेयर्स हमने बताए थे कि उन्हीं के इर्द गिर्द ये मैच घूमेगा और बिल्कुल वही हुआ, हमने की प्लेयर्स में डेविड वीज का भी नाम लिया था और उसके बाद ग्रांट रास्मस उसमें थे और डेफिनेटली आप देखिए ग्रांट रास्मस के बल्ले से वो इनिंग और डेविड वीज की जो इकोनॉमिकल बॉलिंग रही है वो बहुत ही शानदार रही है। तो जैसे कि हमने कहा कि इन की प्लेयर्स के इर्द गिर्द ही आपको मैच विनर्स मिलेंगे जिनकी वजह से मैच जीता जाएगा, वो की प्लेयर्स कौन से हैं, शुरुआत यूएई से। बिल्कुल, और यूएई की बात करें तो वसीम मोहम्मद, जी हाँ मोहम्मद वसीम, चिराग सूरी, रोहन मुस्तफ़ा और साथ ही साथ आप वृत्ति अरविंद, जी हाँ अहमद रजा, कहीं ना कहीं ये जो प्लेयर है और बॉलिंग से मैं अहमद रजा को यहाँ काफ़ी है, बैटिंग से इतना नहीं पर बॉलिंग से ज़रूर है, और बॉलिंग यूनिट में आपके और भी प्लेयर आ जाते हैं यूएई में तो वो लिस्ट 6-7 तक पहुँच सकती है, लेकिन हमें 5 प्लेयर निकालने हैं तो हमारे 5 प्लेयर यही होंगे मोहम्मद वसीम, चिराग सूरी, वृत्ति अरविंद, रोहन मुस्तफ़ा और अहमद रजा। बिल्कुल, और वृत्ति अरविंद को थोड़ा बहुत अपने स्ट्राइक रेट पे काम करने की जरूरत है, खास करके पहले मैच में जो हमने देखा है उसके बाद स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, सिचुएशन के हिसाब से अगर खेले तो वृत्ति अरविंद बेहतरीन की प्लेयर्स में लगातार चारों मैच में वो की प्लेयर में तो रहेंगे रहेंगे, वो प्राइम प्लेयर है भी टीम के नामीबिया के 5 की प्लेयर। बिल्कुल, और नामीबिया की बात करें तो यहाँ पर जेजे स्मिथ है, ग्रांट एरास्मस, डेविड वीज और यान फ्राइलिंग ट्रम्पल मैन, तो ये 5 प्लेयर कहीं ना कहीं जिन पे बहुत दारंदा रहेगा क्योंकि नामीबिया की आप बॉलिंग यूनिट को देखेंगे तो उन पे काफ़ी दारंदा रहेगा, बैटिंग यूनिट के 2-3 प्लेयरों पे ऐसा है बजाय बॉलिंग यूनिट काफ़ी भारी है उनका। बिल्कुल, और इसीलिए बॉलिंग यूनिट को बेहतर करना होगा, यान फ्रेलिंग रोबेन ट्रिपल मैन है, डेविड वीज भी है, तो इन जो बॉलिंग डिपार्टमेंट जिसमें भी बॉलिंग कराते हैं ये सब डिपार्टमेंट्स को अगर बेहतर करना होगा बैटिंग के मुकाबले, बैटिंग में ग्रांट रास्मस को यहाँ पर रख रहे हैं कि वो फिर एक अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, उम्मीद है वो और भी बेहतर करते हुए नजर आएंगे। दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है क्योंकि यूएई अपना मैच हारी थी, जी हाँ इतने कम स्कोर पर रोकने के बावजूद भी उस मैच को मेरे को हार का सामना करना पड़ता, नामीबिया की बैटिंग भी बिल्कुल डिजास्टर हुई थी, सिर्फ ग्रांट रास्मस की इनिंग को करिश्मा इनिंग अगर कहते छोड़ दें तो बहुत ही पुअर बैटिंग नामीबिया की हुई थी, क्या कुछ बैटिंग में ऑर्डर में बैटिंग में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 में और यूएई में क्या चेंजेस मिलेंगे, आइए जानते हैं प्रोबेबल 11 दोनों टीमों की। बिल्कुल, देखिए यूएई कहीं ना कहीं कासिम दाऊद अगर बाहर हो सकते हैं, 4 ओवर डाले थे उन्होंने वहां पर, उसके बाद उन्होंने ओवर नहीं डाला, उनको बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह पर राहुल भाटिया को या आकिफुल्ला खान को मौका दिया जा सकता है, ये एक चेंज देखने को मिल सकता है, उसके बजाय ज्यादा कुछ चेंज नहीं मिलेगा, यूएई इतना चेंजिंग टॉपिक वगैरह करती है नहीं, उसी पर स्टिक रहेगी उतना उम्मीद है, यही एक चेंज अगर होगा तो होगा वरना कोई नहीं। बिल्कुल, वहीं पर अगर नामीबियन टीम की बात करें उन्होंने मैच जीता था लेकिन वहां पर कुछ पुअर परफॉर्मेंस बैटिंग से देखने को मिली थी, अभी क्या आपको लगता है कि बैटिंग डिपार्टमेंट में कुछ चेंज किया जा सकता है या फिर सेम स्क्वाड प्लेइंग 11 रहने वाला? जरूर, देखिए आप ग्रांट एरास्मस एक मौका और दे सकते हैं, बिल्कुल एक मौका और दे सकते हैं, वो जीते थे तब वो मौका मिलेगा इन प्लेयर्स को और वो इस टीम के साथ ही जाएंगे, हारते तो अलग बात होती, 3-4 प्लेयर चेंज हो सकते थे पर जीते हैं, एक और मौका देंगे कि आप इस कंडीशन से अपने आप को जल्द से जल्द सूट करवाइए और अच्छी इनिंग खेलिए। जी हाँ, क्योंकि इस बार इन बैट्समैन के पास वो रीजन नहीं होगा कि हम काफी टाइम से बैठे थे या प्रैक्टिस नहीं चल रही थी या फिर रेस्ट नहीं था या इंटरनेशनल मैच नहीं खेले थे, इस बार आपको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलने वाला, अगर इस बार आपने खराब परफॉर्मेंस किया तो डेफिनेटली तीसरे मैच में आपको टीम चेंज होती हुई नजर जरूर आएगी।
अब यहाँ पर एक चीज और है, एवरेज स्कोर क्या बेहतर रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं हम काफी लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, दोनों मैच में लो स्कोरिंग है, यानी जो पिच है वो लो स्कोरिंग साइड की तरफ ज्यादा है, क्योंकि चारों टीमों ने लगभग लो ही स्कोर किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर एक टीम अच्छा करती है या दूसरी टीम खराब, तो हम कहते हैं कि उनका परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन नामीबिया, ओमान और यूएई तीनों ने ही बहुत ही लो परफॉर्म किया है बैटिंग से लेकर, इसका मतलब पिच को भी थोड़ा बहुत दोष देना होगा। तो क्या कहेंगे आप, एवरेज स्कोर क्या बेहतर रहेगा जो भी पहले बैटिंग करे, दोनों में से कोई भी बैटिंग करेगा? देखिए एवरेज स्कोर तो यहाँ पर 225-240 अब नजर आ रहा है, लेकिन टीम को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम 250-260 का मार्क क्रॉस करें, हम अपनी बैटिंग थोड़ी अच्छी करें। अब एवरेज स्कोर जो निकल के आ रहा है वही आपको खेलना हो ये जरूरी नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि 220 ही पहुंचना है। बिल्कुल सही, तो आप उस एवरेज स्कोर से हटके खेलिए और अच्छा खेलिए, तो शो कर पाएंगे आप कि हाँ देखिए हमारी बैटिंग और अच्छी है, हम एवरेज स्कोर से और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने एवरेज स्कोर के बारे में पूछा तो 225-240 ही लग रहा है, इससे ज़्यादा है। बिल्कुल, तो 225-240 जो भी पहले बैटिंग करे अगर वो ये देते हैं तो डेफिनेटली वो मैच से आउट नहीं है, फुली कंपिटिटिव मैच आपको देखने को जरूर मिलेगा। और पांच स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 260 प्लस हो सकता है, अगर आप 260-270 क्रॉस कर सकते हैं पहली बैटिंग करते हुए तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा चेस करने के लिए, चाहे सामने यूएई हो, चाहे ओमान हो, चाहे नामीबिया ही क्यों ना हो। खैर अब यहाँ पर टॉस जीतकर क्या करना बेहतर रहेगा? टॉस जीतकर तो अब जो हम देख रहे हैं फिलहाल सब बैटिंग लेने की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और डिफेंड करने के लिए चूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि डिफिकल्ट हो रहा है दूसरे पार्टी में चेस कर पाना स्लोनेस की वजह से। और अब तक दोनों मैच चेस करते हैं, यूएई चेस करते हैं, ओमान चेस करते हैं, कोई डाउट नहीं, और एक शायद देखने को हमें मिलेगा भी। लेकिन बाय द वे टॉस जीत कर अगर आप कुछ अलग करना चाहें तो जरूर करिए, पर उसके लिए पहले स्कोर दे दीजिए थोड़ा, या फिर आप अच्छा दूसरी टीम को रोक दीजिए ताकि आप चेस कर पाए, जो भी है। लेकिन जो चीज हो रही है कि टॉस जीता, हमने पहले बैटिंग ली, वही शायद का हमें पूरा डेफिनेट को उम्मीद है वही देखने को मिलेगा आने वाले मैच। बिल्कुल, तो चलिए आप उसी के साथ जाए तो बेहतर होगा। विन प्रेडिक्टर की मैं बात कर रहा हूं, विन प्रेडिक्शन की अगर बात करूं, उससे पहले एक चीज और जानना चाहूंगा, ये कॉम्पिटिशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अहमद रजा वर्सेस ग्रांट रास्मस, मैं कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, वाकई बहुत ज्यादा, अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के तौर पर देखेंगे तो अब अहमद रजा से कहीं ना कहीं थोड़े बेटर नजर आते हैं ग्रांट रास्मस, कहीं ना कहीं इस तरीके का जो उनका इंटेंट रहता है ग्राउंड पे वो बहुत स्ट्रांग है। पर अहमद रजा के पास कहीं ना कहीं वो 3-4 की प्लेयर हैं जिनके साथ नामीबिया टीम पे वार कर सकते हैं, बिल्कुल ये सब चीजें बहुत मैटर करेंगी। पर अहमद रजा ग्रांट रास्मस के कॉन्टेस्ट तो बहुत जबरदस्त मिलेगा। जी हाँ, कैप्टनसी कॉन्टेस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ग्राउंड अगर आप वो मैच देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह के कॉन्टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, दोनों में लीडरशिप क्वालिटी किस तरह की है, कौन किस तरह से अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज बेहतर कर पा रहा है, कौन अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर पा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। ऑन फील्ड विन प्रेडिक्टर की बात कर लेते हैं, विनिंग प्रेडिक्शन में क्या लगता है, नामीबिया वर्सेस ओमान हेड टू हेड, माफ कीजिएगा यूएई हेड टू हेड में यूएई ने 2-0 से हराया हुआ है नामीबिया को अभी तक, क्या लगता है आपको कि नामीबिया कुछ वापसी करेगा या फिर कितने परसेंटेज आप विनिंग परसेंटेज में देना चाहेंगे दोनों टीम? बिल्कुल, देखिए 55% नामीबिया है और 45% यूएई है जरूर, कहीं ना कहीं थोड़ा हो रहा है स्ट्रगल यूएई की तरफ से, लेकिन नामीबिया की जो बॉलिंग है उसको देखते हुए ये डर लग रहा है कि कहीं अगर शुरू में 2-3 विकेट निकल गए 12-13 ओवर के अंदर यूएई के, तो फिर यूएई बहुत मुश्किल में आ गए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर 180 प्लस करीब नामीबिया ने अगर स्कोर किया है, अगर मान लीजिए वो कोलैप्स हो गए बैटिंग खेलने चली होगी, 180 प्लस अगर उन्होंने क्रॉस किया है और बोर्ड पर लगा दिए और यूएई चेस करने के लिए आया 180 प्लस का स्कोर करीब करीब, तो ये तय मानिए कि नामीबिया डाउन द वायर ले जाने की दमखम रखता है, इस कदर इस तरह की बॉलिंग के पास है, डाउन द वायर लेके जाएगा, शायद जीत भी जाए मैच 180 पे ही, क्योंकि बिलो एवरेज स्कोर है। लेकिन अगर 180 यहाँ पर नामीबिया को बनाने हो और यूएई डिफेंड करे तो डाउन द वायर आसानी से ले जाने वाला, क्योंकि नामीबिया से थोड़ी सी कम यहाँ पर बेहतर बॉलिंग यूएई की है। तो ओवरऑल देखना होगा कि किस तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं, इसीलिए विन प्रेडिक्टर ने हमें कहा कि अगर कम स्कोर होता है तो ही नामीबिया डिफेंड करने का दमखम रखता है, इसी वजह से 55% नामीबिया और 45% यूएई। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगे इस मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, उसके बाद कल जो मैचेस हैं उसकी भी मैच वीडियो आपके सामने लगातार क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 की सीरीज की अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, ट्विटर पर भी लगातार अपडेट हम दे रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आपको दे रहे हैं, वहां भी जाकर फॉलो जरूर।